हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में पुरानी रंजिश के चलते एक गुट ने दो युवकों पर जानलेवा हमला बोल दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। प्राइवेट अस्पताल में परिवार के लोगों ने हंगामा किया और पुलिस पर सवाल उठाए। यमुनानगर जिले के चौहानपुर कला गांव में एक युवक की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। दरअसल कल शाम विशाल नाम का युवक जैसे ही गांव से बाहर निकला तो गांव का ही एक गुट घात लगाए बैठा था। तीन युवकों ने विशाल और उसके दोस्त पर डंडों और तलवार से हमला किया। विशाल के शरीर पर तलवार से कई वार किए गए जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त आदित्य को भी चोटें आई हैं जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल आदित्य ने घटना की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और विशाल पर तलवार से कई वार किए। युवकों ने आदित्य के सिर में डंडों से हमला कर दिया जिसके बाद वो बेहोश हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो पुलिस चौहानपुर कला गांव में पहुंची और तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस की कार्यशैली से खुश नहीं थे और उन्होंने बाकी तीन आरोपियों के नाम को लेकर हंगामा कर दिया। मौके पर डीएसपी प्रमोद कुमार और नरेंद्र खटाना भी पहुंचे, तब जाकर परिवार शांत हुआ। मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल परिवार वारदात में संलिप्त छह आरोपियों की बात कर रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि घटना में कितने बदमाश शामिल थे। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मेरे पास विशाल भाई का फोन आया था जी, उसने कहा कि कार में तेल खत्म हो गया, तेल लिया जाके। मैं गया पैसे लिए घर से और तेल लाया, बस मैं कार में तेल डाल ही रहा था, इतने में दो बाइक आए जी, एक अगली साइड थे जी और एक पिछली साइड थे। अगली साइड वालों ने तो सार मेरे को हमला कराया जी, तो विशाल भाई कार में बैठा था, वो उतर के जो आया ना जी, तो एकदम उसके ऊपर तलवारों तवार कराया जी, जो से दूसरी बाइक वाले थे जी, तीन लड़के, छह लड़के थे जी। पहचान तो आप उनको? तीन की तो पक्की है जी, तीन का तो नाम सारा है जी, मैं तो गांव के ही है, बस तीन आज तक देखे नहीं जी। बस जी मैं इसकी निकली साथ रहूं जी, विशाल भाई के साथ ही। क्या क्या नाम है उनके जो जिस तीन की पहचान आती है? सन्नी है जी, एक अभिषेक है और एक आसू है जी। छह थे टोटल? हाँ जी छह थे टोटल। तो मार के बाद भाग गए उसके बाद? हाँ जी। ये सुरेंद्र का लड़का है, एक सन्नी, दो लड़के उसके हैं, एक है जूरो में से सुखविंदर का, और तीन लड़के हो रहे हैं अन्य में, दो जिसमें से पकड़े गए हैं, एक सन्नी और एक आसू, और चार अभी फरार है, जिसमें दो में रात के ही पकड़े हैं, उसके बाद टीम ने कुछ नहीं किया ना, उन्हें उनका क्या बोल रहे हैं कि उनका रिमांड लिया, क्यों कुछ नहीं बता रहे। तीन के नाम सो हुए हैं, तीन के नाम सो नहीं हो रहा ना, चाहिए टू चाहिए वाले भी फिर रहे हैं, ये भी सो नहीं कर रहे ना, कुछ आश्वासन दे रहे, कह रहे कि पोस्टमार्टम करा लो, ऐसे कैसे करा ले पोस्टमार्टम? झगड़ा किस बात पे हो, क्या हुआ था, विवाद क्यों आया था? ऐसी छोटा मोटा झगड़ा है, क्या ये मेरी तरफ घूरता है, ये मेरे को ये करता है, बस ये झगड़ा था, ऐसे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। पहले भी जो आसू था यो उसके घर गया था मारने के लिए, यो सन्नी भी था उसमें, ये तीन चार लड़के थे, इन्हें घर के आगे जाके विवाद गया कार से, वहां पे स्पीड में पेली भी है, इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, तो एफआईआर भी कराई उसकी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं गाँव का मसला है, निमट जाएगा ऐसी, पर ये नहीं पता था कि अकेले को हेर के फिर ऐसे काट के गिरेंगे। तो क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस पर तो नहीं जी, प्रशासन की ढील है ये, तो क्यों नहीं हो रही है, कहते हैं पोस्टमार्टम करा लो, ऐसे तो पोस्टमार्टम करा के उसके संस्कार कर दो, फिर बोल देंगे कि मैं बोल नहीं रहे, दो बंदे हैं बस उनके अंदर, जो चार बार के बार है। तो आप पोस्टमार्टम कब कराओगे? जब हमको इंसाफ मिलेगा। एक घंटे का सर, ये कल शाम को चूरपुर गांव में झगड़ा हुआ था दो लड़कों के बीच, एक लड़के को तलवारों से काटा है, जो हमारे पास रोड नेट का रुका आया था गब्बा हॉस्पिटल से, इसमें छः आदमियों के नाम, तीन के बाई नेम और तीन के अननोन के नाम दिखाए हैं, और अभी गब्बा हॉस्पिटल से हमने इसको डेड बॉडी यहाँ शिफ्ट करा के इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और जो बाई नेम है उनको हम हिरासत में लिया हुआ है, दो लड़कों को। परिवार वाले रोड जाम की बात कह रहे थे, नहीं वो संतुष्ट हैं, उनको सच्चाई बता दी गई है, वो सेटिस्फाई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।